नमस्कार गाइस, इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सियाराम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टेक्निकल दुबे। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कि कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन से आप परेशान हैं। इतना सारा नोटिफिकेशन आता है कि आप उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कैसे उसे हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं अब और जब चाहे तब उसे आप देख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए यूट्यूब के तरफ से, एक्स के तरफ से और टेलीग्राम के तरफ से देखिए कितना सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 24,913 न्यू मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद मीशो का आ रहा है, उसके बाद जियो न्यूज का आ रहा है, उसके बाद जियो सिनेमा का आ रहा है, उसके बाद दोस्तों जियो ऐप माई जियो ऐप का आ रहा है, उसके बाद यूट्यूब का आ रहा है। तो इस तरीके से यदि किसी भी एप्लीकेशन का यदि नोटिफिकेशन आप बंद करना चाहते हैं, तंग आ चुके हैं, तो बस एक क्लिक के अंदर आप बंद कर सकते हैं। आप चाहे तो एप्लीकेशन में जाकर बंद कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर बंद कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उससे आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको ये एप्लीकेशन जो YouTube का दिखाई दे रहा है, इसको ही आपको बंद करना है, तो इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए। जब यहाँ पर नोटिफिकेशन म्यूट करें, यानी कि ये ही नोटिफिकेशन जो है केवल म्यूट होगा, और नोटिफिकेशन बंद करें पर जैसे ही टाइप कीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन जो YouTube का हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक और तरीका है दोस्तों, मैं उसको भी बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेलीग्राम का नोटिफिकेशन 24,913 न्यू मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको यदि आपको बंद करना है तो आपको सिंपली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बिल्कुल नया तरीका है, बिल्कुल नया मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि टेलीग्राम यहाँ पर है मेरा, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से रखिएगा। एप्लीकेशन विवरण, एप्लीकेशन डिटेल पर आपको क्लिक करना है, जो कि आई बटन के जैसा दिखाई देता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में ही या कहीं पर भी नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप टाइप कीजिएगा। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन की अनुमति जो है इसे आप अन अलाउ कर दीजिएगा, यानी कि बंद कर दीजिएगा, और आपका जो नोटिफिकेशन है हमेशा के लिए ये बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये तो बंद कर दिए, लेकिन आपको देखना है कि कौन कौन से चैनल है टेलीग्राम का नोटिफिकेशन जारी किए हैं, तो यहाँ पर आपको उस टेलीग्राम को ओपन कर लेना है और इस तरीके से आप आ जाइएगा तो देख सकते हैं कि कितना सारा नोटिफिकेशन हमारे इसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्यूज 15 सेकेंड का ये एक नोटिफिकेशन आया है, ऑफर जोन 2.0 का एक नोटिफिकेशन आया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप खोलिएगा तभी आप देख पाइएगा। बाकी जो स्क्रीन के ऊपर में आपका नोटिफिकेशन आ रहा था, वो इसी तरह से किसी भी एप्लीकेशन का आप नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। मान लीजिए मीशो का भी बंद करना है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस कर रखिए, नोटिफिकेशन बंद करें पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर बंद करें पर फिर से क्लिक कीजिए, अब इसका नोटिफिकेशन मीशो का भी नहीं आएगा। फिर से यदि चालू करना चाहते हैं तो वही सेम तरीका है, आपको जिस एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन बंद किए हैं उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, आई बटन पर जाना है। आई बटन के जाने पर दोस्तों देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन बंद है अभी, इसको आप टाइप कीजिए, यहाँ पर इसे अलाउ कीजिए और आपका नोटिफिकेशन फिर से चालू हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। किसी भी ऐप के नोटिफिकेशन से आप परेशान हो चुके हैं तो उसे आप बंद कैसे कर सकते हैं और चालू भी कैसे कर सकते हैं, और उसके अंदर जाकर कितने सारे मैसेज आए हुए हैं उसको भी चेक आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।